विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मनाए जा रहे रोज सप्ताह के तहत आज हमीरपुर मुख्यालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद की तस्करी और बेसहारा पशुओं की देखरेख की उदासीनता के प्रति विश्व हिंदू परिषद ने हमीरपुर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। इस मौके पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक तुषार डोगरा, विभाग संयोजक संजीव चौहान, विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्याध्यक्ष राजेश शर्मा और बजरंग दल के जिला संयोजक आदर्श शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान यूपी के हाथरस में हुई गैंगरेप मामले को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने रोष जताया और आरोपियों को जल्द पकड़कर कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक तुषार डोगरा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा गत 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में रोज सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें डीसी के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 पारित किया गया है, लेकिन आज तक पिछले सालों में इनकी पालना नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग के बनने के बाद गौएं सड़कों में घूम रही हैं, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही हिंदू समाज के ऊपर लैंड जिहाद हावी हो रहा है और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों पर सरकार जल्द कार्रवाई करने के लिए काम करे। वहीं यूपी के हाथरस में हुई घटना की भी विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने कड़ी निंदा की और कहा हाथरस के मुद्दे को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद विरोध जता रही है और किसी की भी सरकार हो, आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक एक रोष सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिस निर्णय के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के 26 संगठनात्मक जिलों में प्रत्येक जिला केंद्र में डीसी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ये ज्ञापन पूरे प्रदेश के अंदर एक ही प्रकार से जा रहा है। इस ज्ञापन में मुख्य मुद्दे हमने जो तय किए हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2019 पारित किया गया, लेकिन आज तक पिछले 3 वर्षों में 30 से अधिक हिंदू कन्याएं पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पर धर्म के व्यक्तियों के साथ भगाकर लेकर आए गए। उसमें कहीं भी एक कानून नहीं लगा, क्योंकि इसमें लॉ भी रिफॉर्म नहीं हुए हैं। यह ऐसा कहा जाए कि ये दंत विहीन कानून है, इस कानून में जान डालने के लिए संगठन कार्य में लगा है। सरकार ने गौ सेवा आयोग का निर्माण किया, उनका सराहनीय पहल है, हमने उनका सम्मान किया, मान सम्मान करते हैं, लेकिन गौ सेवा आयोग के बनने के उपरांत भी आज गौवंश सड़कों पर घूम रहा है, नंदी सड़कों पर घूम रहे हैं और वो अधिकतर दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं, जैसा हम सभी लोग जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर लव जिहाद और एक नई बीमारी लैंड जिहाद, मुस्लिम समाज के लोग, गुज्जर समुदाय के जो उनके लोग रहते हैं, वो झोंपड़ियां निर्माण करते हुए हमारे हिंदू समाज के संसाधनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं और जमीन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। इसके ताज़ा उदाहरण चाहे चंबा तीसा की बात करें, चाहे नूरपुर इंदौरा की बात करें, चाहे ऊना, चाहे बिलासपुर की बात करें, हमने इस हर प्रकार के मुद्दे को लेकर एक ज्ञापन प्रेषित करने का एक निर्णय लिया है कि महामहिम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो कानून बनाते हैं, जो क्रियान्वयन करवाते हैं, प्रशासन उसका क्रियान्वयन ठीक से करे, अन्यथा हिंदू समाज इसके लिए बाद में यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हिंदू समाज पुरजोर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हाथरस के मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा रहा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान लेखराज राणा जी ने कल सुंदरनगर में पत्रकार वार्ता करके कहा कि चाहे किसी भी व्यक्ति की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, उन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारा मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी विभाग, हम लगातार ये कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के साथ साथ यदि हम कन्याओं की रक्षा नहीं करेंगे तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार ये जघन्य अपराध जो है उसका हम कतई भी साथ नहीं देंगे, चाहे किसी भी व्यक्ति की सरकार हो।